हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। दिस इज क्लास थर्ड इंग्लिश बुक गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ चैप्टर 10 द स्टॉर्म एट नाइट। एक रात तूफान का आना। दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज ए स्टोरी राइटर। इस स्टोरी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। चलिए हम स्टोरी को रीड करते हुए एक एक सेंटेंसेस की मीनिंग को यहाँ पर समझते हैं। नाउ स्टार्ट रीडिंग। वी आर यूज टू सडन स्टॉर्म अप हियर हाई इन द हिल्स। यहाँ ऊंचे पहाड़ों पर सडन स्टॉर्म, अचानक तूफान का आना, ये हम लोगों की आदत सी हो गई थी। राइटर बता रहे हैं, द ओल्ड बिल्डिंग इन विच आई लिव, एक पुराने बिल्डिंग में वो रहते थे, has for over a 100 years stood against the force of the wind and rain। और 100 सालों से वो जो बिल्डिंग थी वो इस तरह के तेज तूफान और बारिश का सामना कर रही थी। इट्स अ टू स्टोरी बिल्डिंग, और ये दो तल्ले की जैसे टू स्टोरी बिल्डिंग थी, एक ऊपर और एक नीचे, जिसमें कि टू फ्लोर्स होते हैं। एंड आई लिव ऑन द अपर फ्लोर वाइल माई अडॉप्टेड फैमिली। और ऊपर जो थे वो ये राइटर रहते थे और नीचे में उनकी अडॉप्टेड फैमिली थी। फोर चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स लिव डाउन स्टेयर, जिसमें कि चार बच्चे और उनके पेरेंट्स रहते थे। द रूफ इज मेड अप ऑफ स्टील शीट्स विथ अ सीलिंग ऑफ वुड एंड बोर्ड्स, और उस घर की जो छत थी वो टिन शीट्स की बनी हुई थी और सीलिंग जो थी वो वुड एंड बोर्ड से बनी हुई थी। इट हैड हेल्ड फास्ट इन अदर स्टॉर्म, और ये अभी तक दूसरे तूफानों का सामना करती आ रही थी। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात द विंड केम रशिंग एट अस विथ वो, जब बहुत तेजी से विंड जो चल रही थी वो किस तरह की आवाज उससे आ रही थी, वो की आवाज आ रही थी। द ओल्ड रूफ ग्रोन्ड एंड क्लैटर्ड फॉर मैनी आवर्स, और काफ़ी घंटे से वो जो पुरानी छत थी उसमें से बहुत ही तेज आवाज़ आ रही थी, बहुत ही हार्श साउंड आ रही थी। द रेन हिट द विंडो, और जो बारिश थी वो विंडो से टकरा रही थी। एंड द लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग, और जो लाइट थी वो बार बार आ रही थी जा रही थी। We could not sleep, but we stayed in bed for warmth and comfort. Writer कहते हैं कि हम लोग सोए तो नहीं थे, लेकिन क्या था, हम अपने बेड में ही थे, आराम से सोए पड़े थे। After about 4 hours, 4 घंटे के बाद, the roof could take it no more. छत जो थी वो इस तूफान का सामना और नहीं कर पा रही थी। My part of it was the first to go. और जो पहला पार्ट था वो वहाँ से उड़ चुका था। द विंड गॉट अंडर द रूफ अनटिल, और हवा जो थी वो छत के अंदर आ चुकी थी। विथ अ रिपिंग साउंड द मेटल शीट्स ब्लू ऑफ, और रिपिंग, देखिए रिपिंग की मीनिंग यहाँ पेज के एंड में दी हुई है। टियरिंग क्विकली एंड नॉइजली, और वो तेज हवा जो थी वो मेटल शीट को वहाँ से उड़ा ले जाती है। सम ऑफ देम ड्रॉप विथ क्लैप्स लाइक थंडर ऑन द रोड बिलो, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ रोड पर एक बहुत बड़ा जैसे आवाज़ करते हुए कुछ तूफान सा गिर पड़ा हो। आई थॉट वेल नथिंग कैन बी डन नाउ, और वो मैं सोचने लगते हैं कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बट सडनली आई फेल्ट आइसी वाटर ऑन माई फेस, तभी अचानक उनके फेस पर ठंडी पानी की बूंद, आइसी वाटर का उनको एहसास हुआ। आई लिफ्ट फ्रॉम माई बेड, वो कूद करके वो अपने बेड से उठे। ए लार्ज पार्ट ऑफ द सीलिंग हैड ब्लोन ऑफ, और उन्होंने देखा कि उनके सीलिंग का एक बड़ा सा हिस्सा उड़ चुका था। वाटर वॉज ऑल्सो पोरिंग ऑन टू माई ओपन टाइप राइटर एंड ऑन टू द रेडियो बेड कवर्स एंड क्लोथ्स कपबोर्ड, और वो देखते हैं कि जो पानी था वो उनके टाइपराइटर पर गिर रहा था, उनके रेडियो पर और उनके बेड कवर्स क्लोथ्स पर, और सारे
जो कपड़े के कबर्ड है उसमें जा रहा था। पिकिंग अप माई प्रीशियस टाइपराइटर, उन्होंने तुरंत ही अपने कीमती टाइपराइटर को, टाइपराइटर उसे कहते हैं जिस पे टाइपिंग की जाती है, लेटर टाइपिंग, स्टोरी टाइपिंग की जाती है, आई स्टम्बल्ड इनटू द फ्रंट रूम, और वो अपने टाइपराइटर को लेके दूसरे रूम की ओर जाने लगते हैं। वाटर पोर्ड थ्रू द विंडो स्लेट्स, और जो बारिश की बूंदें थी, जो पानी था, वो खिड़कियों की दरारों से वो कहाँ बुक शेल्फ्स की में पड़ रहा था। बाय नाउ द चिल्ड्रेन हैड जॉइन मी, और इस तरह से जो बच्चे थे वो भी उनकी हेल्प कराने के लिए उनके साथ हो जाते हैं। ये देखिए, जब वो कपबोर्ड में से सारे बुक्स को शेल्फ पे से सब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो पिक्चर में ये रस्किन बॉन्ड है और जो उनके अडॉप्टेड चिल्ड्रेन थे, फैमिली थी, उनके बच्चे जो हैं, वो देखिए किस तरह से उनकी हेल्प कर रहे हैं। डॉली एंड हर ब्रदर हरीडली पिक्ड अप आर्मफुल्स ऑफ बुक्स एंड कैरीड देम इनटू देयर रूम। डॉली और जो उसका भाई था, वो बहुत ही जल्दी जल्दी हाथों में भर भर के किताबें उठा करके वो दूसरे रूम में ले जा अपने रूम में ले जा रहे थे। द फ्लोर वॉज वेट, सो द बुक्स हैड टू बी पिल्ड ऑन द बेड्स। वहाँ का जो फ्लोर था वो बिल्कुल गीला था, सो इसलिए सारे बुक्स को उन लोगों ने बेड पर रखा। सडनली लार्ज फील्ड रैट लीप्ड ऑन टू द डेस्क, तभी वहां पे एक बड़ा सा जो था चूहा कूद करके डेस्क पर आ गया। डॉली स्क्विल्ड एंड रन फॉर द डोर, और वो चिल्लाकर डोर की ओर भागी। डॉली इट्स ऑल राइट सेड मुकेश हर ब्रदर, उसके भाई ने कहा कोई नहीं, ही इज ओनली लुकिंग फॉर शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म, वो इस तूफान में अपने लिए शेल्टर खोज रहा है, रहने की जगह खोज रहा है। टू रूम्स वर नाउ रूफलेस, वी सॉ फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग एंड देन द लाइट्स वेंट आउट। जो दो कमरे थे उसकी छत नहीं थी, और हम लोग क्या कर रहे थे, वो लाइटिंग के फ्लैशेस को देख रहे थे, और जहाँ से बाहर की ओर रोशनी दिखाई दे रही थी। द चिल्ड्रंस फादर हैड ऑलरेडी फाउंड अ लैम्प एंड वी वेंट ऑन मूविंग बुक्स पेपर्स एंड क्लोथ्स टू द चिल्ड्रंस रूम, और जो बच्चों के पिता थे वो लैम्प को ऑलरेडी फाउंड अ लैम्प, उनको एक लैम्प मिल जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, सारी बुक्स को लेकर के पेपर एंड क्लोथ्स को वो चिल्ड्रंस के रूम में ले जा करके रख देते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, आवर फीट वर फ्रीजिंग, टेबल्स एंड चेयर्स वर पिल्ड हाई विथ बुक्स, उनके पैर जो थे, वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और उनके पैर बिल्कुल जम गए थे। टेबल्स एंड चेयर्स क्या था, वो बुक से भरा हुआ था। द बेड्स वर पुश्ड इनटू द ड्राइएस्ट कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रंस रूम, और जो बेड था वो बच्चों के कमरे में जहाँ सूखा था वहाँ पर था। वी स्पेंट द रेस्ट ऑफ द नाइट हडल्ड इन द ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स, वो लोग अपनी रात किस तरह से निकालते हैं, वो लोग एक साथ एक ही ब्लैंकेट में, क्विल्ट्स में, आपस में एक साथ बैठ करके अपनी रात को वो बिताते हैं। वाइल द स्टॉर्म ब्लू आउटसाइड, जब तक कि बाहर तूफान चल रही थी। स्लोली द विंड स्टॉप एंड इट बिगेन टू स्नो, धीरे धीरे हवा रुक जाती है और फिर स्नो गिरने लगती है। स्नो फ्लेक्स फ्लोटेड इन द एयर एंड फेल थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग, और जो स्नो फ्लेक्स थे वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे स्नो के, वो तैरते हुए हवा में वो जाकर के कहाँ पे, थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग, वो वहाँ पर जो छत पर जो जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी दरारें थीं वहीं जाकर वो वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सेटलिंग एवरीवेयर, और जगह जगह जाकर वो इकट्ठा हो जाते हैं। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे सुबह, वी फाउंड द विंडो पेन्स कवर्ड विथ स्नो एंड आइसिकल्स,
वो दूसरे दिन सुबह क्या देखते हैं कि जो विंडो पेन्स थे, जो उनके भी वहाँ पर भी जो स्नो है और विंडो पर भी आइस के नुकीले नुकीले से टुकड़े वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं. देन द राइजिंग सन शोन थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग. दूसरे दिन उनको क्या दिखता है, उन दरारों में से उनको सन दिखाई देता है सीलिंग एंड टर्न एवरीथिंग टू गोल्ड. और उनको हर चीज सुबह सुनहरा सा दिखाई देने लगता है. स्नो क्रिस्टल्स शोन लाइक डायमंड. और जो बर्फ के जो क्रिस्टल्स थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, वो किस तरह उनको डायमंड की तरह, हीरे की तरह दिखाई देते हैं ऑन द एम्प्टी बुक शेल्फ्स. और इस तरह से वो जो स्नो के टुकड़े थे वो उनको डायमंड्स के तरह दिख रहे थे जो इकट्ठा हो गए थे उनके कमरे के रैक्स पर, बुक शेल्फ पर, सब इकट्ठा हो गए थे. द चिल्ड्रंस फादर वेंट आउट टू फाइंड ए कारपेंटर एंड ए टिन स्मिथ. और जो उन बच्चों के जो पिता थे वो बाहर जाते हैं और एक कारपेंटर को लेकर आते हैं और एक टिन स्मिथ को. कारपेंटर जो कि वुडेन बोर्ड बनाते हैं बढ़ई को, और टिन स्मिथ जो टिन का काम करते हैं उनके सीलिंग पे, जो टिन शीट्स थी उनको ठीक करने के लिए. द रेस्ट ऑफ अस स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन द सन टू ड्राई आउट. फिर जितनी भी चीज़ें थी उन लोगों ने सन के नीचे रख दी ताकि वो सूख जाएं. बाय इवनिंग वी हैड गॉट मच ऑफ द रूफ ऑन अगेन, इट्स मच इम्प्रूव्ड रूफ नाउ. और शाम तक जितना भी रूफ था उनका, जो जितनी भी छत थी, वो उनको ठीक करा लेते हैं. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टॉर्म विथ कॉन्फिडेंस. और इस तरह से वो दूसरे तूफान का पूरी तैयारी के संग वो क्या करते हैं, इंतजार करने लगते हैं. यहाँ देखिए पेज के एंड में जितने भी न्यू वर्ड्स हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जिनकी मीनिंग किड्स को लर्न करना बहुत ही कंपलसरी है, जिससे कि उनको चैप्टर को, स्टोरी को समझने में काफ़ी इजी होता है. और न्यू वर्ड्स को लर्न करने के बाद बच्चों को क्वेश्चन आंसर करने में भी काफ़ी इजी होगा. ये वीडियो अगर आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.